जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानवा 3 मार्च 2023 शुक्रवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकाई थाए तो आसतु सर्वप्रथमे जानवा आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय आज हूँ 3 मार्च 2023 शुक्रवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी दिवा 8 घंटा 59 मिनिट गति द्वादशी आज पुनर्वसु नक्षत्र दिवा 4 घंटा 15 मिनिट गति पुष्या नक्षत्र आज मिथुन चंद्र दिवा 9 घंटा 29 मिनिट गति कर्कट चंद्र आज पर्वोत्सव सर्वत्र पापनाशिनी एकादशी ओ पापनाशिनी स्नान आज शुभ बेला प्रात 6 घंटा 11 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 43 मिनिट पर्यंत आज सूर्योदय प्रात 6 घंटा 8 मिनिट आज सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 48 मिनिट आज दिवा 9 घंटा 29 मिनिट मध्य कन्या राशि घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशि घात बार आज सिंब एवं दिवा 8 घंटा 59 मिनिट गति पैसाग खाइबा निषिद्ध तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआकरी आसछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक मानसिक चिंता उत्पन्न करि परि वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अवरोध कारण रो आपणक कष्ट भोगिबा को पड़ि परि व्यवसाय क्षेत्र रे अधिकारी सहित किसी मतभेदर संभावना रही आपण निज क्रोधरे नियंत्रण बजाय रखंतु अन्यथा आपणक प्रतिछवि उपरे खराब प्रभाव पड़िब छात्र छात्री माने निज एकाग्रता बजाय रखिबारे असुविधार सम्मुखीन हेबे पारिवारिक जीवन रे खर्चर अधिकता कारणरु परिवार रे किसी मनमालिन्यर संभावना रही आय व्यय संतुलन रखिबा कष्टकर हेब किंतु भाई भौनी पक्षरु मार्गदर्शन प्राप्ति हेब एवं भविष्यत योजना उपरे आलोचना करिबे तथा समस्यार समाधान खोजिबे आर्थिक स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब एवं कोनोसी प्रकार निवेशरु आपण दूरै रहंतु स्वास्थ्य अवस्था रे पेट संबंधित समस्या आपणंकु व्यथित करिब सेथिपई खाद्य पेयर संपूर्ण ध्यान रखंतु आज आपण गायत्री मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे वृष राशि आपणक राशि स्थान रु तृतीय भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक पराक्रम रे वृद्धि करिब आपण निज बुद्धि बल एवं दक्षता बल रे शत्रु मानंकु परास्त करिबे चिकित्सा क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक ख्याति वृद्धि पाइब किंतु सरकारी कर्मचारी मानंक पई एहा एक व्यस्त बहुल दिन हेब नूतन दायित्व सहित स्थानांतरण हेबार मध्य संभावना रही पारिवारिक जीवन रे भाई मानंक साहाज्य रे आपणक अटकी रहिथवा कार्य रे गति आसीब विदेशरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब पारिवारिक जीवन आनंददायक रहिब एवं संतान निज कार्य रे उन्नति करी आपणंकु गौरवान्वित करिबे प्रेम संबंध पई समयर अभाव संपर्क रे समस्या उत्पन्न करि पारे आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब तथा आपण मानसिक चापरु मुक्ति पाइबे किंतु मातांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु आज आपण गायत्री मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे मिथुन राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेव को गोचर कारणरु समाज रे आपणक मान सम्मान वृद्धि पाइब आपण निजर समस्त कार्य सफलतार सहित समाप्त करिबारे सक्षम हेबे विद्यार्थी माने निज अभिव्यक्ति क्षमता रे अभिवृद्धि अनुभव करिबे एवं आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्त को प्रभावित करिबे तथा आपणक सकारात्मक भावमूर्ति समाज रे उत्पन्न हेब कर्म क्षेत्र रे संपर्क लाभदायक हेब एवं पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यक संपूर्ण समर्थन
आपणंक उपरे लागि रहिब। पूर्वरु थिबा पारिवारिक दूरतार अंत घटिब। परस्पर मध्यरे प्रेम भाव वृद्धि पाइब एवं परिवार रे सुख शांतिर वातावरण लागि रहिब। भाई भौणीक सहित आपण उत्तम समय अतिवाहित करिबे। संतान पक्षरु सुखद समाचार पाई प्रसन्नता अनुभव करिबे। प्रेम संपर्क पाई आपण समय बाहर करिबारे सक्षम हेबे एवं आर्थिक स्थिति विकसित हेब तथा नूतन आयर उत्स वृद्धि पाइब। स्वास्थ्यावस्था सामान्य रहिब एवं पुरुणा स्वास्थ्य समस्यारु आपण मुक्ति पाइबे। आज आपण गरीब व्यक्ति को साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणंक राशि रे चंद्रदेव को गोचर आपणंक पूर्वरु लागि रहिथिबा समस्यारु मुक्ति प्रदान करिब। आपणंक आचरण रे एक सकारात्मक परिवर्तन आसिब जहां आपणंक किछि खराब अभ्यास शेष करिबारे सहायक हेब। समाज रे आपणंक भावमूर्ति रे सकारात्मक परिवर्तन आसिब। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक सहयोग रु आपण अटकी रहिथिबा कार्य रे अग्रगति अनुभव करिबे। अजाई अथवा कोनोसी वृद्ध व्यक्ति को साहाय्य करिवार सुजोग मिलिब जहां फलरे आपण शांति अनुभव करिबे। भाई भौणीक मध्यरे संपर्क सुदृढ़ हेब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे किछि समय धरि चली आसुथिबा आर्थिक समस्यारु आपण मुक्ति पाइबे। किंतु अनावश्यक खर्चरु आपण दूरे रहंतु। मानसिक शांति एवं एक नूतन उत्साह अनुभव करिबे जहां फलरे स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण गोमातांकु खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणंक द्वादश भावरे चंद्रदेवंकु गोचर आपणंकु आर्थिक क्षेत्र रे किछि संघर्ष करिबाकु पड़िपारे। किंतु बुझि विचारि करा जाइथिबा निवेश आपणंकु लाभ प्रदान करिब। सामाजिक सेवारे आपण पूर्ण सहयोग करिबे। किंतु आपण वाणीरे नियंत्रण बजाय रखंतु। कार्यरे अधिक परिश्रम एवं गंभीरतार आवश्यक रहिछि। पारिवारिक जीवन रे अत्यधिक खर्च परिवार रे उत्तेजना सृष्टि करिब। जे कोनोसी प्रकार निर्णय बुझि विचारि नियंतु। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणंक रुचि बढ़िब। धैर्य सहित गृह परिवार रो समस्त समस्यार समाधान खोजिबारे आपण सक्षम हेबे एवं परिवार रो सुख सुविधा पई आपण खर्च करिबे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब। किंतु अनावश्यक खर्च रे वृद्धि आपणंकु व्यथित करिब। आपण मानसिक रूप रे भावुक संवेदनशील रहिबे। आज आपण सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणंक एकादश भावरे चंद्रदेवंकु गोचर आपणंकु पूर्वरु ए पर्यंत करिथिबा परिश्रमर उत्तम परिणाम प्रदान करिब। योजना अनुजाई आपणंक कार्य त्वरान्वित हेब। कोनोसी नूतन व्यवसाय आरंभ करिबा पई समय अत्यंत शुभ रहिछि। एही अवधि रे आपणंक द्वारा करा जाइथिबा कार्यर सर्वोत्तम फल प्राप्ति हेब। सोशल मीडिया रे आपणंक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब एवं पारिवारिक जीवन रे आपण परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन पाइबे। पितांक पक्षरु मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलिब एवं पितांक आशीर्वाद द्वारा आपणंक उज्ज्वल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त हेब। किंतु जे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति परिवार सदस्यंक परामर्श रे नियंतु सफलता पाइबे। प्रेम जीवन रे नवीनता एवं मधुरता आसिब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उत्तम लाभ प्राप्ति हेब जहां फल रे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण गोमातांकु खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणंक राशि स्थानरु दशम भावरे चंद्रदेवंकु गोचर आपणंकु कार्यक्षेत्र रे योजनाबद्ध भावरे किछि गठनमूलक परिवर्तन करिबा पई प्रेरित करिब एवं आपण नुआ नुआ योजना प्रारंभ करिबे तथा आपण निज व्यवसाय को एक नूतन दिग देबारे सक्षम हेबे एवं भाग्य आपणंक सपक्षरे रहिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने आपेक्षिक सफलता पाइबे एवं पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन आपणंक उपरे लागि रहिब। जदि संपर्क रे
पूर्वरु कौनसी मनमालिन्य थाए ताहा एबे दूर हेबाकु लागिबो। जीवन साथी आपणंकु साहाज्य सहयोग करिबारे तत्पर रहिबे एवं भाई मानंक सहयोग प्राप्ति हेबो। प्रेम जीवन पई मध्य समय अत्यंत शुभ रहिछि तथा आपण निज संपर्क को नूतन दिग देबे। आर्थिक अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबो एवं दीर्घकालीन निवेश लाभदायक सिद्ध हेबो। स्वास्थ्य अवस्था मध्य उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आपण चर्म संबंधित रोगरु मुक्ति पाइबे। आज आपण भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को मिलित उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। विचाराशि चंद्रदेव आपणंक नवम भावरी गोचर आपणंक भाग्यरे वृद्धि करिबो। आपणंक उद्यम तथा प्रयास कारणरु आपणंकु आशाजनक परिणाम प्राप्ति हेबो। आपण निज असमाप्त कार्य एवं योजना गुड़ी को शीघ्र समाप्त करिबारे सक्षम हेबे जहा फलरे मानसिक शांति ओ संतुष्टि अनुभव करिबे। किंतु पूर्वरु अटकी रहिथवा धन पाइबा पई किछि समय अपेक्षा करिबा को पड़िबो। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण लागि रहिबो एवं भाई भौनिंक सहित आपण एक उपभोग्य समय अतिवाहित करिबे। परिवार सदस्यंक संबंधित कोनोसी सुखद समाचार प्राप्ति हेबो। किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु एवं मातांक ठारु आपेक्षिक समर्थन पाइबा सामान्य कष्टकर होइपारि। प्रेम संबंधरे प्रगाढ़ता आसिब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे शेयर मार्केट आदि आकस्मिक लाभ हेबार संभावना रही तथा आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। किंतु स्वास्थ्य प्रति सावधान रहंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहय करंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेव को गोचर कारण रु आपणंकु निज समस्त कार्यरे सावधान रहिबार आवश्यक रहिछि। बुझि विचारि निया जाइथिबा निष्पत्ति लाभदायक सिद्ध हेब। किंतु कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करिबा पई वर्तमान उपयुक्त समय नुहे। एकाग्रता बजाय रखिबा पई विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िब एवं पारिवारिक जीवन रे जीवनसाथी स्वास्थ्य संबंधित किसी समस्या देखा दे पारे। किंतु पितामाता ठारु संपूर्ण समर्थन मिलिब। किसी संपत्ति संबंधित खर्च आपण को हैरान करी पारे। भाई भौनी सहित संपर्क सुदृढ़ हेब तथा पारिवारिक संपत्ति वृद्धि हेबार संभावना रही। प्रेम संपर्क पाई समय विशेष सहायक नुहे से प्रेमी माने विशेष सावधान रहिबा उचित। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक शिथिलता दूर हेब। किंतु आय व्ययरे संतुलन रखिबा सामान्य कष्टकर हेब। सेथिपाई अनावश्यक खर्चरु आपण दूरै रहंतु। स्वास्थ्य अवस्था मध्यम रहिब। प्राणायाम एवं दैनिक कार्य उपरे विशेष ध्यान रखंतु। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणंक रुचि बढ़िब। आज आपण भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणंक सप्तम भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणंक पई भागीदारी कार्य रे लाभ प्रदानकारी हेब। व्यवसाय रे नूतन निवेश मिलिबार संभावना रहिछि एवं आपण समाज रे किछि सकारात्मक परिवर्तन आनिबार प्रयास करिबे। आपणंक मान सम्मान ओ पद प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिब तथा राजकीय पक्षरु आपणंकु प्रोत्साहन मिलिब। राजनीतिक क्षेत्र रो विस्तार पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं पारिवारिक जीवन रे जीवन साथीक ठारु प्राप्त सहयोग कार्य क्षेत्र रे विशेष लाभदायक प्रमाणित हेब तथा कोनोसी बड़ समस्यार समाधान मिलिब। जदि आपण अविवाहित ताहेले विवाह संबंधित किछि भल खबर पाइबे एवं माता पितांक सेवा करि आशीर्वाद पाइबे। बंधु मित्रंक सहयोग रु अटकिथिबा कार्यरे गति आसिब एवं भाई मानंक सहित एक नूतन प्रोजेक्ट रे काम आरंभ करिबे। आर्थिक स्थिति दृष्टिरु समय उत्तम अनुकूल रहिछि तथा नूतन आयर उत्स विकसित हेब। स्वास्थ्य अवस्था रे पूर्वरु थिबा स्वास्थ्य समस्यारु मुक्ति मिलिब। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आपणंक षष्ठ भावरे चंद्रदेव को गोचर
आपणंक शत्रु मानंकु दमन करिव दीर्घ दिनर समस्या समाप्त हेबाकु लागिव तथा कार्यक्षेत्र रे आपण निजकु समर्थ ओ ऊर्जावान अनुभव करिवे। एहा सहित पदोन्नतिर मध्य दृढ़ संभावना रहिछि। छात्र छात्री मानंक पई समय उत्तम अनुकूल रहिव एवं परिश्रमर सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। टेली जोगाजोग माध्यमरे किछि शुभ खबर प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्ष सुखद अनुभव प्रदानकारी हेब। जीवन साथीक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं पारिवारिक परिवेश आनंददायक रहिब। किंतु आपण आर्थिक स्थिति एवं भविष्यत को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। भाई और भौणी संपूर्ण सहयोग देखिबाकु मिलिब। प्रेम जीवन पई समय अत्यंत शुभ रहिछि एवं आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेब तथा आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिब। स्वास्थ्य दृष्टि रु मानसिक चाप कारण रु आपण शारीरिक थकापण एवं दुर्बलता अनुभव करिबे। आज आपण भोकिला व्यक्ति को भोजन दान करंतु शुभ फल पाइबे। मीन राशि आपणंकर राशि स्थान रु पंचम भाव रे चंद्रदेव को गोचर विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेब। आपणंक आत्मविश्वास रे वृद्धि पाइब। रोजगार एवं व्यवसाय क्षेत्र रे आसुथिबा अवरोध दूर हेब तथा स्थिति रे सुधार आसिब। छोटिया दूर यात्रार मध्य जोग रहिछि। राजनीति क्षेत्र रे प्रयासरत व्यक्ति को आशानुरूप सफलता प्राप्ति हेब तथा आपणंक प्रभाव क्षेत्र रे विस्तार हेब। पारिवारिक जीवन रे संतान निज कार्यक्षेत्र रे सफलता अर्जन करिबे एवं सुखद समाचार प्राप्ति हेब। परिवार सदस्यंक साहाज्य सहयोग रे आपण एक नूतन योजना आरंभ करिबे। मातांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब एवं जीवन साथीक कार्यक्षेत्र रे प्रगतिर संभावना रहिछि। परिवार रे कोनोसी नूतन सदस्यंक आगमन हेतु पारिवारिक परिवेश सुखमय हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेबा सहित आपणंक संचित धनरे मध्य वृद्धि घटिब। किंतु अनावश्यक खर्च आर्थिक संतुलन को खराब करी परी। स्वास्थ्य दृष्टि रु परिवार रो कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य समस्या आपणंकु व्यथित करिब। सेथिपई स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। तो बंधुगण एहा थिला आजिर राशिफल विषय रे। जदि भिडियोटी आपण मानंकु भल लागी थाए लाइक शेयर और कमेंट करी जनांतो एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो। जय जगन्नाथ।